देखते हुए ये लग रहा है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई मामला नहीं सेट करवाते। सुरक्षा के तुम ध्यान नहीं रख रहे, वो पानी के अंदर था तो तुम्हें पता नहीं लगा। तुम कहीं की ड्यूटी करते हो, कहीं की नौकरी करते हो, क्यों पैसे लेते हो? यहाँ पे आते हैं, आराम से बैठते हैं, फोन चलाते हैं, गपशप मारते हैं, रिश्तेदारों से फोनों पे बात करते हैं, घूम फिर के टाइम पास करके सहन करके और पैसों की हाजिरी लगा के घर चले जाते हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि हम उनके परिजनों से भी बातचीत किए, सारे परिजन उनके यही पधार रहे हैं। छात्र यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल में छात्र विकास यादव की मृत्यु का मामला अब गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। विकास यादव की मौत के बाद छात्रों और उनके परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है। छात्र संगठन और परिजन कुलपति के बंगले के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं ताकि मृतक विकास और उसके परिजनों को न्याय दिलवाया जा सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा दी जा सके। विकास यादव की मृत्यु के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने दावा किया है कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। हालांकि विकास के परिजन और साथी छात्र इस दावे को सरासर गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में गहराई से जांच की मांग की जा रही है। विकास के परिजन बेहद दुखी और आक्रोशित है। उनका कहना है कि विकास एक स्वस्थ और फिट युवक था और उसे किसी तरह की दिल की बीमारी नहीं थी। छात्र संगठन और विकास के परिजन प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक प्रशासन उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करता। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों और उनके परिजनों का कहना है कि वे न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। ये कि देखो, जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं, इन्होंने जिस प्रकार से अंटसंट तो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कभी कह देते हैं ये हो गया, कभी कह देते हैं इनके तो हार्ट अटैक हो गया, कभी कह देते हैं 3 फुट में तो डूब ही नहीं सकता, ये तो इसमें मिर्गी आ गई, मिर्गी का दौर आ गया। ऐसे ऐसे तो इनके बेतुके तो स्टेटमेंट है। और अब इन सारी चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई मामला नहीं सेट करवाते। इसलिए हमारी तो यही मांग है कि भाई जिस प्रकार से जो तरणताल है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उसमें नहाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि मैं इसमें नहाना चाहता हूँ, रोज नहाना चाहता हूँ। उसके बदले में राजस्थान यूनिवर्सिटी एक सुरक्षा के नाम पे पैसे लेती है कि भाई हम आपको सिखाएंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आप डूब के कहीं कोई अनहोनी नहीं हो जाए। अब हम पूछना चाहते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से कि आप कह रहे हो कि इसमें मिर्गी का दौरा आ गया, चलो मान लेते हैं इसमें मिर्गी का दौरा आ गया, तो आप मुझे ये बताओ कि मिर्गी का दौरा भी आ गया तो तुम सुरक्षा के तुम ध्यान नहीं रख रहे, वो पानी के अंदर था तो तुम्हें पता नहीं लगा। तुम कहीं की ड्यूटी करते हो, कहीं की नौकरी करते हो, क्यों पैसे लेते हो? यहाँ पे आते हैं, आराम से बैठते हैं, फोन चलाते हैं, गपशप मारते हैं, रिश्तेदारों से फोनों पे बात करते हैं, घूम फिर के टाइम पास करके सहन करके और पैसों की हाजिरी लगा के घर चले जाते हैं। ये इनके हालात हैं। पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति जी की है, वहाँ पे जो संबंधित कोष था उसकी है, वहाँ पे संबंधित जो तरणताल के अधिकारी थे उनकी है। इन तीनों को तो इस्तीफा दे करके इनके ऊपर जो है मुकदमा और दर्ज किया जाना चाहिए हत्या का। उसके बाद में जो है परिजनों की मदद करनी चाहिए, आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। और उसके परिवार में इकलौता बेटा था, वो जो लड़का था वो अपने परिवार में इकलौता बेटा था। इनको शर्म आनी चाहिए और शर्म इतनी शर्म आ रही है इनको कि कल शाम से लेके अब तक यहाँ पे परिजन धरने पे बैठे हैं, हजारों की संख्या में जो सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, ये बात करने तक नहीं आए। यहाँ NSYI के AVP के बड़े बड़े नेता बैठे हैं, परिजन बैठे हैं और भी बाहर सामाजिक सारे बड़े बड़े नेता बैठे हैं। इनको इतनी शर्म नहीं है, इनके जूतक नहीं रहेंगे कि चलो उनसे बात तो करें, बात करने तक भी तैयार नहीं है। बहुत बुरा हाल है यूनिवर्सिटी का। मुझे लगता है कि इनको अति शीघ्र इस्तीफा देकर के भाग जाना चाहिए कहीं दूर, और इनको बकरियों की जो है एक टोली ला दो, उसको चलाने दो। इसी लायक है कुलपति, मुझे पूरा भरोसा है इन पे कि उसे चला लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये संघर्ष वहां तक जाएगा जहां तक न्याय नहीं मिलेगी। न्याय लेकर के यहाँ से उठेंगे, उसके दादा बैठे हैं, उनके ग्रामीण बैठे, पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे हैं, पीछे हटने वाला कोई नहीं है। यहाँ से तो न्याय लेके जाएंगे, निश्चित रूप से न्याय लेके जाएंगे। और अभी नीमका थाना के बहुत से लोग, मैं भी क्योंकि नीमका थाना से हूँ तो वहां के बहुत से लोग हमारे और आ रहे हैं। इस लड़ाई को इतनी मजबूत कर दी जाएगी कि इनके समझ में नहीं आएगा। इनको न्याय जो है करनी पड़ेगी, निश्चित रूप से करनी पड़ेगी।
सकती है? पर देखिए, ये राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति की लापरवाही की बदौलत इस बच्चे की जान गई है। उसके साथ जो भी छात्र थे जो स्विमिंग कर रहे थे, उनका यही कहना है कि इसकी जो है डूब के मौत हुई है, और ये बात कहीं ना कहीं हम भी जायज ठहराते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बताया, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं 2-2.5 मिनट तक ये पानी के अंदर ही रहा, बाहर नहीं आया, कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई। उसके बाद कोई साथी भागता है और कोच को बताता है कि वो पानी से बाहर नहीं आ रहा, कोच जाता है और बाहर निकालता है, जब तक देखते हैं कि उसकी स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। विश्वविद्यालय में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है कि वो एम्बुलेंस के माध्यम से जो है उसको अस्पताल तक पहुंचाए। तो पहली मांग यही है कि हमारी इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, यहाँ किसी प्रकार की एम्बुलेंस सुविधा नहीं है, ए प्लस हमारी जो है सुविधाओं से लैस एक जो है हमारी डिस्पेंसरी होनी चाहिए। साथ ही परिवार बहुत गरीब है, कहीं ना कहीं उनको आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए। तो हमने कमेटी के माध्यम से तय किया है कि 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा मिले। उसके पीछे दो बहनें हैं, उनके पीछे उनका कोई सार संभाल करने वाला नहीं है, उनकी पूरी पढ़ाई का जो खर्च है वो राज्य सरकार उठाए, उनमें से एक को सरकारी नौकरी दी जाए, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम लोग नहीं उठेंगे, क्योंकि हम उनके परिजनों से भी बातचीत किए हैं, सारे परिजन उनके यही पधार रहे हैं। अभी हमारे सारे विश्वविद्यालय के छात्र भी जो है यहाँ डटे हुए हैं, हमारी मांग मनवा के ही हम लोग मानेंगे, और विश्वविद्यालय कुलपति को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी पढ़ते हुए बच्चों पर फोसलिंग गिर जाती है, कभी संविधान की प्रस्तावना गलत तरीके से लिखी जाती है, कभी बच्चे जो है स्विमिंग पूल में डूब के मर जाते हैं, और वीसी का कहीं बयान आता है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से हमें पता लग रहा है कि उसको कहा जा रहा है कि उसको हार्ट अटैक से डेथ हुई। वीसी का कहना है कि भाई कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन की वजह से उसकी डेथ हुई है। तो ये बड़ा बेतुका बयान है वाइस चांसलर का कि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ना कि ऐसे बेतुका बयान देने चाहिए। मैं वाइस चांसलर को बता दूं, एक जब स्विमिंग के लिए जब बच्चा जाता है तो उसका प्रॉपर जो है रजिस्ट्रेशन होता है, उसका मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप होने के बाद जो है उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो ये सब बातें हैं जो कहीं ना कहीं उसको जायज नहीं ठहराते हैं। मैडम गलत तरीके से तथ्यों को छुपाने का काम कर रही है, मैडम के ऊपर हम लोग तथ्यों को छुपाने का भी जो है मुकदमा दर्ज कराएंगे और हत्या का भी मुकदमा दर्ज कराएंगे। पूरे तमाम विश्वविद्यालय के साथी सभी छात्र संगठन यहाँ मौजूद हैं और हम साथी विकास को जो है न्याय दिला के लेंगे। क्या बताएं, तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो हमें अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है। न वो जगह देखी है, क्या घटना है, क्या हादसा है, और हम रात से यहाँ आए तब से यहाँ बैठे हैं। नहीं, अभी हमारे से कोई संपर्क, कोई आश्वासन की ऐसी कोई बात नहीं, ना हम अंदर जा पाए हैं, ना वो कोई अंदर से बाहर आ पाया है। अब ये मैं प्रेजेंट नहीं था, मैंने वो जगह नहीं देखी। अब ये आपको कौन सुनाता है वो तो वही बता सकता है, मेरे पास इस चीज का कोई प्रमाण नहीं है, नहीं कोई मैं इस पे कमेंट भी क्या करूं। अब क्या चाहते हैं, जो इनके पास है वो ये दे सकते हैं, इनके पास कितनी पावर है क्या ये दे सकते हैं? वो बच्चा तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद में बच्चा अकेला ही बच्चा था, उसका पिताजी भी अकेला ही है, और अब वो गया, 2 बच्ची हैं इससे छोटी। अब इनके पास तो जो था वो सब गया, अब इनके पास तो कोई आस भी नहीं है। अब इसका बाप जो 10-15 हजार 12 हजार रुपये कमा सकता था वो उसी स्थिति में नहीं रह पाएगा। अब इनको, इनके कलम में पावर है, जैसे ही भी चलाना चाहेंगे चला देंगे, नहीं चलाएंगे तो इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। और जो जो हानि होनी थी वो हो ही गई, उसकी भरपाई तो ये भी नहीं कर पाएंगे।